आपने पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में तो पढ़ चुके हैं और विशेष रूप से हमने समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा की है। इस अध्याय में समकोण त्रिभुज से जुड़े ही कुछ रोचक बातें करने वाले हैं हम। चलिए अपने आसपास की होने वाली कुछ घटनाएं देखते हैं जहां हम समकोण त्रिभुज बनता हुआ देखेंगे। मान लीजिए आप पिकनिक मनाने दिल्ली आए हैं और आपने सोचा कि कुतुब मीनार देखा जाए, और आप जब कुतुब मीनार देखने गए तो आपने पाया यह तो काफी लंबा है, और आप एक दूरी पर खड़े होकर उसकी शिखर देखने की कोशिश करने लग गए। इतने में आपका एक और दोस्त आपको ऐसा करते हुए देख रहा था। उसने ऑब्जर्व किया कि ऐसा करते हुए आप एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। अब आपका दोस्त कुतुब मीनार की लंबाई बिना नापे निकालना चाहता है। क्या लगता है आपको, ऐसी कुछ परिस्थिति में वह यह करने में सफल हो पाएगा? चलिए जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर सोचे, मैं आपको एक और जगह ले चलती हूँ। मान लीजिए आप अपने घर के बालकनी में खड़े हैं और नदी के उस पार की बिल्डिंग के निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वह गमला कितना सुंदर है। आपका वही दोस्त फिर वहां आ जाता है और कहता है, अरे यहां पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस बार उसे नदी की चौड़ाई जानने में उत्सुकता है। अरे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जहां तुम बैठे हो उसकी ऊंचाई क्या है? तब मैं इस नदी की चौड़ाई निकाल सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं तब से आपसे कितने सवाल पूछ रही हूँ, तो घबराइए मत, हम इस अध्याय में ऐसे ही सवालों का हल निकालने वाले हैं। ऊपर बताई गई स्थितियों में दूरियां अथवा ऊंचाइयां कुछ गणितीय तकनीक जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं, और इस अध्याय में हम इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ऊपर दी गई परिस्थितियों का हल निकालेंगे। त्रिकोणमिति, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री TRI जिसका अर्थ है तीन, और गॉन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप, ऐसे बना था ट्रिग्नोमेट्री, और जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल के खगोलविद, जिसे हम एस्ट्रोनॉमर भी कहते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग कर पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। है ना कितना रोचक? आज के युग में भी त्रिकोणमिति का काफी महत्व है। किसी बिल्डिंग की ऊंचाई निकालनी हो या ज्वारभाटा में आई हुई लहरों की ऊंचाई निकालनी हो, त्रिकोणमिति हर जगह इस्तेमाल होती है। इसका प्रयोग तो मैप्स बनाने में भी किया जाता है। आने वाली कक्षाओं में आप देखेंगे कैसे त्रिकोणमिति आपके भौतिकी मतलब फिजिक्स के सवाल निकालने में भी आपको कितना मदद करेगी। तो चलिए समझते हैं कि त्रिकोणमिति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।